हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टि किचन एंड कुकिंग। सो आज मैं बनाने वाली हूँ लादी पाव। इसमें मैं ईस्ट का उपयोग नहीं करूँगी, ये मैं घर में बनाऊँगी। जो बाहर के लादी पाव नहीं खाते हैं वो घर में खा सकते हैं, वो भी बिना ईस्ट के। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे बने। और मैं आज इन्हें कढ़ाई में बनाना सिखाऊंगी और साथ साथ इडली स्टैंड में भी। तो अगर फ्रेंड्स आपके लिए मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसके लिए लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे चैनल के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए अब हम करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैदा ली है और मैंने यहाँ पर आधा कप लिया है दही और थोड़ा सा मैंने यहाँ मिल्क पाउडर लिया है, चीनी और थोड़ा सा नमक। देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा नमक लिया है। अब मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालना बहुत ज़रूरी है। और मैंने यहाँ तेल लिया है और सोडा लिया। आगे जाके कितने मेजरमेंट में ये इन सब इंग्रेडिएंट के लिए मिलाना है वो आपके लिए पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आधा कप मैदा लिया है और आधी छोटी चम्मच चीनी और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। तो फ्रेंड्स, ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे लादी पाव बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और फूलेंगे भी। और साथ साथ चीनी डालना भी ज़रूरी है। तो मैं इन सबके लिए अच्छे से छान लूँगी। तो मैंने देखिए इन सब के लिए छान लिया और मैंने मैदा के लिए भी एक बार छान लिया था। तो अब मैं इसमें दो छोटी चम्मच डालूंगी मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैंने मिल्क पाउडर भी डाल दिया। अब मैं डालूंगी तीन छोटी चम्मच तेल। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीन छोटी चम्मच तेल डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दही। तो दही इसमें मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ और इसके लिए अच्छे से मिला रही हूँ। तो देखिए ये धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है और इसका डो भी बनते जा रहा है धीरे धीरे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी इंग्रेडिएंट्स एक साथ समट रहे हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी दो कप दूध। मैंने यहाँ पे एक कप दूध डाल दिया है। तो मैं एक अच्छा डो बना लूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक और कप दूध लिया है और इसे भी मैं धीरे धीरे करके डाल लूँगी। हमें एक साथ करके नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध और लिया है फ्रेंड्स। तो अब देखिए इसका डो बन के लगभग तैयार हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे अच्छे से मसल लूंगी कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसके लिए लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो अब मैं थोड़ा सा हाथों में तेल लगा रही हूँ और डो के लिए अच्छा चिकना कर लूंगी मैं। तो कुछ इस तरीके से मैं डो के लिए कर लूंगी अच्छा चिकना। और मैं थोड़ा सा डो पे भी तेल लगा रही हूँ और इसे अच्छे से चिकना कर लूंगी मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो डो है हमारा वो अच्छे से चिकना हो चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, डो अच्छा चिकना हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा तेल और ले रही हूँ और डो के ऊपर लगा दूंगी और इसे मैं करीबन 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने दूंगी, जिससे इसमें अच्छा खमीर उठ जाएगा।
तो मैं इसे अच्छे से रेस्ट करने दूंगी। और यहाँ पे मैंने 2 कप दूध लिया था, तो 2 कप दूध में थोड़ा सा दूध बच गया है। तो फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम हमारा ये जो डो देखते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स अच्छा फूल गया है। अब मैं इसके अंदर की सारी हवा निकाल लूँगी और ये अच्छा चिकना भी हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसे हल्के हाथों से अच्छा चिकना कर लूँगी कुछ इस तरीके से। तो अब मैं हाथों में थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ और इसे अच्छे से मसल लूँगी और इसकी हवा निकाल लूँगी अच्छे से, जिसके अंदर हवा बल जाती है। तो लादी पाव का डो बन के तो तैयार हो चुका है। तो देखा आपने डो बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसे एक चकले पे रख रही हूँ और इसके लिए मैं ओवल शेप में बना रही हूँ और फिर मैं इसके कुछ गोले बना लूँगी छोटे छोटे। तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए ओवल शेप दे दिया है मैंने। अब मैं इसके गोले बना लूँगी छोटे छोटे, ज़्यादा छोटे भी नहीं करना है, आप अपने हिसाब से इन्हें साइज दे सकते हैं। तो मैं अब इन सब के लिए अच्छा गोल कर लूँगी और इन्हें एक अच्छा शेप दे दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो गोले हैं अच्छे से बन चुके हैं लादी पाव के। कुछ इसी तरीके से मैं सारे लादी पाव के गोले बना लूँगी और एक प्लेट में रख लूँगी। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे इडली प्लेट और एक स्टील का डिब्बा। तो मैंने इन दोनों के लिए ले लिया और मैं इनमें अच्छे से तेल लगा लूँगी, जिससे जब हम लादी पाव बनाएंगे तो वो इसमें चिपकेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए 2 तरीके से पाव बनाना सिखा रही हूँ, एक इडली स्टैंड में और एक कढ़ाई में। तो देखिए मैंने इडली प्लेट के लिए अच्छे से ग्रीस कर लिया, इसी तरीके से मैं स्टील के डिब्बे के लिए भी ग्रीस कर लूँगी। तो ये दोनों बर्तन अब ग्रीस हो चुके हैं। तो अब मैं इस पे रखूंगी ये जो हमने लादी पाव के गोले बनाए थे वो। तो मैंने इडली प्लेट में और स्टील के डिब्बे में ये लादी पाव रख दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा दूध लगा रही हूँ, हल्का हल्का सा हमें इस पे दूध लगा लेना है फ्रेंड्स। तो हमारी लादी पाव बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं कढ़ाई के लिए कर लूँगी अच्छे से प्रीहीट। तो प्रीहीट करने से पहले मैं इसमें एक रिंग रख रही हूँ और एक प्लेट रख रही हूँ और मैं इसके लिए ढक दूँगी करीबन 10 मिनट तक। सेम प्रोसेस मैं इडली स्टैंड के साथ कर रही हूँ, पर इसमें मैं कोई बर्तन नहीं रखूँगी, सिर्फ इसके लिए मैं ढक दूँगी और 10 मिनट तक अच्छे से प्रीहीट होने दूँगी। तो फ्रेंड्स अच्छे से ये जो इडली स्टैंड है वो प्रीहीट हो चुका है। तो अब मैं इस पे ये जो लादी पाव की प्लेट है वो रख दूंगी और ऐसे ही मैं कढ़ाई पे भी ये लादी पाव का स्टील का डिब्बा रख दूंगी और मैं इसे ढक दूंगी करीबन 30 मिनट तक। तो 30 मिनट तक हम लादी पाव के लिए अच्छे से बेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स लादी पाव बन के तैयार हो चुके हैं और देखिए इनमें कितना अच्छा कलर आया है। तो ये है इडली स्टैंड के लादी पाव, ये बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं फ्रेंड्स और बहुत अच्छे बने हैं। अगर आप बाज़ार के लादी पाव नहीं खाते हैं तो आप घर में बना सकते हैं, वो भी बिना ईस्ट के। देखिए फ्रेंड्स ये कितने सॉफ्ट हैं। अगर फ्रेंड्स आपके लिए ये रेसिपी पसंद है तो आप इसमें घर में ज़रूर ट्राई कीजिए इसके लिए और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। और मैंने ये जो कढ़ाई में भी बनाए थे लादी पाव मैं वो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये भी अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। तो
फ्रेंड्स, अगर आपके लिए मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसके लिए लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।